हाँ जी बेटा, अभी तक हमने जो लाइन की इक्वेशंस की थी और प्लेन की इक्वेशन की थी, ओके, लाइन की एंड प्लेन की। अब बेटा प्लेन की सिर्फ हमने एक ही इक्वेशन की थी, उसमें हमने क्या लर्न किया था? व्हाट वी हैव लर्न्ड इन इक्वेशन ऑफ प्लेन कि मेरे पास जो है, अगर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर मुझे दिया हुआ है, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है एक प्लेन का, तो मेरे पास ये प्लेन की इक्वेशन होगी। अब जो हमने प्लेन की इक्वेशन करनी है, ध्यान से देखना बेटा, अब हमने कैसी प्लेन की इक्वेशन करनी है। ये कितने सारे प्लेन्स हैं, एम आई राइट? बहुत सारे ये प्लेन्स हैं, ये जितने पेजेस है ना, मान लीजिए वो उतने प्लेन्स हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि परपेंडिकुलर टू द गिवन जो है वेक्टर है, एक प्लेन जो कि परपेंडिकुलर टू गिवन, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ना, वो सब पे परपेंडिकुलर होगा, हर प्लेन पे। ऑब्वियस है कि मैं ये ले लीजिए, आपको और ज्यादा विजिबिलिटी होगी। ये देखिए, ये अगर मैं फ्रंट ऊपर पहले ही बुक के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो जितने पेजेस हैं, क्योंकि सारे आपस में पैरेलल हैं, तो सब पे ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं कौन से प्लेन की इक्वेशन लिखूं? कोई ना कोई मुझे गिवन कंडीशन होगी, वो क्या है कि पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब इनमें से कोई एक ही प्लेन होगा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा होगा, मुझे ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखूं। ओके बेटा, तो लेट अस राइट। मेरे पास जो है, मान लीजिए कि मैं फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ, लेट अस सी। ये मेरे पास एक्स वाई और जेड है, ठीक है। ये कितने सारे प्लेन्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ये नीचे है ना, जिसपे ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही पास करता हूँ कहीं पे भी, बट आई हैव टू राइट सच एन इक्वेशन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, वो यही प्लेन होगा ना, तो मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब यहां पर बेटा मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो n वेक्टर से डिनोट होगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं का, उसने का परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, तो ऑब्वियस है जो मेरे पास डायरेक्शन होगी वो इस नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं ए बी सी मानूं, वो डायरेक्शन रेशियो इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, बट मुझे ऐसा प्लेन लिखना है जो इस पॉइंट से पास होता है, वो प्लेन कार्टिजियन फॉर्म में पहले लिख देती हूँ, a(x-x1) + b(y-y1) + c(z-z1) = 0। ओके बेटा, क्लियर? a(x-x1) + b(y-y1) + c(z-z1) दैट इज इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हो गई सबको? ये मैंने लिखी कार्टीजन फॉर्म, हियर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल क्या है तो प्लेन के भी होंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ प्लेन का अपने डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, वो हमेशा किसके होते हैं, उसके नॉर्मल के। एंड x1 y1 z1 वो क्या है, वो जिससे पास कर रहे, जिस पॉइंट से पास कर रहे। और यही अगर मैं इसी से मैं क्या करूं, वेक्टर इक्वेशन बनाने का मैं आपको सिखाऊं, देखो ध्यान से, ये एक्स वाई जेड आर वेक्टर होते हैं, उसमें से ना इन्होंने क्या किया है, x1 y1 z1 वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। x1 y1 z1 को हम ए वेक्टर से डिनोट करते, तो आर माइनस ए वेक्टर। अब देखो ये आई आई के कोफिशिएंट, ये जे जे के, ये के, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और एन वेक्टर मैंने डिनोट किया था, ये लीजिए, दैट इज इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर एंड हैविंग अ नॉर्मल वेक्टर एन
जो है वेक्टर। ये बात समझ आई? मैं इससे इधर भी जा सकती हूं, मैं इससे इधर भी जा सकती हूँ, आपको दोनों तरह से याद है। पता चला बेटा सबको? बात समझ आई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर टू एवरीवन? बाकी सब बच्चे, अभिरूप, दमन, दिव्यालीन, लक्षित, प्रभु, राणा, रसिका, सम्यांक, अभिषेक, सबको क्लियर है? चलिए गुड। अब इस पर बेस्ड हम करेंगे। अब मैं देखो दोनों प्लेन की इक्वेशंस एक साइड पे अभी आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आर वेक्टर डॉट मेरे पास एन कैप इक्वल टू डी, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन थी। फिर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जी। अल्टीमेटली दोनों का आंसर जब हम सॉल्व करते हैं ना, वो हमेशा ऐसा ही आता है, ax plus by plus cz plus d equal to 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसा ही आएगा हमेशा। ओके जी, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी। इन द एग्जांपल 17th दे राइट फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो यहाँ ओरिजिन की कोई बात नहीं हो रही। उसने कहा कि एक प्लेन जो है वो पास कर रहा है, दैट इज पॉइंट जो है कौन से पास कर रहा है, 5, 2 और -4, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। अब फिगर बनाने की कोशिश करा करो बेटा, जब आपकी फिगर बन गई तो आपको पता चल जाएगा ये एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है और उसने कहा है कि एंड परपेंडिकुलर जो है टू द लाइन विद डायरेक्शन, और ये प्लेन जो है वो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन रेशियो दे दी मेरे पास हो गए, वो क्या हो गई 2, 3 और -1। वो एक लाइन अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर है या प्लेन एक लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये हुआ तो नॉर्मल वेक्टर ही ना, इसका हुआ ना, ये ए वेक्टर दे दिया, ये एन वेक्टर दे दिया, बस। कई बच्चे ये कहते थे मैम ये नहीं नॉर्मल, इसके पैरेलल होगा। बात तो वही, अगर नॉर्मल इसके पैरेलल होगा डायरेक्शन रेशियोस तो सेम ही होंगी ना बेटा। तो अल्टीमेटली प्लेन की इक्वेशन अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो आर वेक्टर माइनस मेरे पास जो है ए वेक्टर, तो क्या आएगा 5i मेरे पास प्लस 2j -4k डॉट मेरे पास हो गए, अब n वेक्टर मेरे पास हो गए 2i प्लस 3j -k इक्वल टू c। अगर इसी को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, इफ आई हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो बेटा मेरे पास क्या बन जाता है, बस ये 2, 3 और -1, ये ऐसे आगे आ जाएगा 2, फिर x -5, देखिए ऐसे, क्योंकि ये a b c की वैल्यू है ना, समझ आई मेरी बात? तो आगे प्लस 3 y -2, फिर -1 z मेरे पास है, यहां माइनस ऑलरेडी है, इट बिकम प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ये समझ आया सबको मैं क्या कहना चाहती हूँ? बस एक आधे बच्चे ने हैंड्स अप करने होते हैं बेटा, बाकी रिस्पॉन्ड करो बेटा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सीख रहे हो कि नहीं। ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन द क्लास कि यस मैम इट इज क्लियर, यस चरणजोत, गुंजोत, गुरसिमर, प्रभनूर बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब चले आगे क्वेश्चंस, लेट अस, और एक्सरसाइज सारे बच्चे आप ही मुझे बताओगे, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स बताने हैं और एक्सरसाइज करना अब आप करवाओगे मुझे, ठीक है, लेट अस सी। अभी तक हमने दो टाइप ऑफ प्लेन्स की, पहला प्लेन हमने किया जिसमें क्या था बेटा कि मेरे पास जो है उसने यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया था और ओरिजिन से डिस्टेंस दिया था। ओके,
यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया था और ओरिजिन से डिस्टेंस दिया था। अब सेकेंड हमने प्लेन किया, एक पॉइंट दिया और नॉर्मल वेक्टर दिया। आप ये भी कह सकते एक पॉइंट दिया एक नॉर्मल वेक्टर दिया, तो सेकेंड प्लेन। अब हम बेटा प्लेन की इक्वेशन करेंगे, हमें जो है एक प्लेन थ्री पॉइंट से पास आउट हो रहा है, एक प्लेन थ्री पॉइंट से पास आउट हो रहा है और वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बना देगा, बस ये चीज याद रखनी। दीज थ्री पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, और इसका लर्न करने का तरीका बहुत इजी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ और ये जो कंडीशन है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जगह पे यूज भी आ गए, कितने तरह पे यूज होती है, मैं इसकी आपको वो बताती हूँ। मेरे पास जो है लेट अस सी कि कैसे, ये देखिए मेरे पास जो है ये कितने सारे प्लेन्स होते है ना, तो यहाँ पर फिर हम प्लेन जो है मुझे वो पॉइंट वन इधर टू इधर थ्री कहीं पे भी दिए, कितने सारे प्लेन है, मैंने इनमें से वो प्लेन वो पेज लेना है जो इन तीन पॉइंट से पास आउट होते है, तो हजारों बट ऐसा प्लेन जो इन थ्री पॉइंट से पास आउट होते। ओके जी, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, लेट अस सी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बेटा। तो वो पॉइंट्स क्या मेरे पास, x1, y1, z1, ठीक है, फिर x2, y2, z2, फिर बेटा मेरे पास जो है x3, y3, z3, ओके बेटा। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट लेते हैं, मैं कार्टेशियन फॉर्म पहले बता रही हूँ, x-x1, y-y1, z-z1, ठीक है, फिर x-x2, ठीक है मेरे पास जो है, और y हम इसको पहले ही ऐसे ले फिक्स कर देते हैं, y2-y1 और z2-z1, सिर्फ यहाँ xyz रखो, ठीक है, फिर अगली बार x की जगह पे x2, y की जगह पे y2, z की जगह पे z2, अगली बार x3-x1, y3-y1 और z3-z इक्वल टू 0। जब इस सारे डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे ना, सारी इक्वेशन xyz में ही होगी, तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मतलब इजी हो जाता है, आगे आपको और भी मैं मेथड बताऊंगी कि इसमें कैसे होता है, ठीक है। अगर कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म लिखनी तो देखिए कैसे, मेरे पास हो गए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ध्यान से देखना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट मेरे पास जो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस जो है यहां पर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो एक तरह का ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट भी आ गया क्रॉस भी आ गया, आया कि नहीं आया, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना। अब ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालते थे, मैं आपको बोलती थी पहली क्वांटिटी पहली रो में, दूसरी क्वांटिटी दूसरी रो में, तीसरी क्वांटिटी तीसरी रो में, होती थी कि नहीं होती थी। अब r माइनस a, r एक जनरल पॉइंट होता है xyz, माइनस a, a क्या है x1 y1 z1, तो मैंने r माइनस, देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस, अगली बार b माइनस a, b दूसरा पॉइंट है ना x2 y2 z2, उसमें से a माइनस करना, तो देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2, फिर थर्ड c माइनस a मतलब x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z, सबको बात समझ आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म
ये काटी जाएगी। अच्छा, अगर आपको पेपर में कुछ भी लिखने को कहा है कि वेक्टर फॉर्म लिखो काटी, आप मेरा मानना है पहले कार्टेशियन फॉर्म लिख लो, उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, क्योंकि आपको करना आता है फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो आती तो अल्टीमेटली ax plus by plus cz plus d equal to zero की फॉर्म में ना, तो उसको कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। सो बेटर टू अप्लाई कार्टेशियन एंड देन यू कैन चेंज इट इनटू वेक्टर फॉर्म। समझ आ गई बेटा सबको ये बात? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए अब बेटा मेरे पास जो है इसी पर बेस्ड मेरे पास जो है क्वेश्चन है, लेट अस डू दैट क्वेश्चन। मेरे पास जो है एग्जाम्पल 18th बेटा मेरे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, दे राइट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दे जस्ट राइट कि आपने इस पॉइंट से पास करना है, तो उन्होंने पॉइंट मेंशन किए, लेट अस राइट दैट पॉइंट बेटा। तो मेरे पास वो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं एग्जाम्पल 18th में, हाँ जी, द पॉइंट्स आर आर वेक्टर जो है, एंड दैट आर वेक्टर इज गिवन टू मी, दैट इज 2, 5, -3 एंड एस वेक्टर दैट इज -2, -3 एंड 5 और टी वेक्टर दैट इज 5, 3 एंड -3। अब उन्होंने मुझे कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, मेरे को वेक्टर इक्वेशन में ना अच्छा नहीं लगता लिखना, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ पहले कार्टेशियन इक्वेशन में लिखती हूँ, देखिए कैसे, बाकी आपकी मर्जी, आपको लगता है यू वांट टू राइट इन दैट फॉर्म यू कैन राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, कई बच्चे प्रेफर करते हैं तो लिख लो, मैं सीधा ही स्टार्ट करती हूँ जो है कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स माइनस टू ठीक है, वाई माइनस फाइव और जेड प्लस थ्री, फिर दिस माइनस दिस, जबकि आप -4 दिस मेरे पास हो, एक ही फॉर्म रखना ठीक है, तो मेरे पास दिस माइनस दिस -8 और दिस माइनस दिस ये कितना आ गया 8 आ गया, फिर दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस -2 और दिस माइनस दिस सॉरी दिस माइनस दिस, तो ये आ गया सी। ओके, अब इसको हमने क्या करना है, ओपन कर दे, डिटरमिनेंट ओपन करना आता है ना, किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर दीजिए, आई कैन एक्सपांड इट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। जब मैंने एक्सपांड किया तो एक्स माइनस टू बेटा ये गया और मेरे पास क्या आया 0 और प्लस 16, तो आई राइट हियर प्लस 16। अगली क्वांटिटी के साथ क्या आता है माइनस, मेरे पास माइनस वाई माइनस फाइव बेटा, ये गया और ये गया, ये 0 -24 यहाँ -24। ओके, फिर नेक्स्ट जेड प्लस 3 मेरे पास, ये कॉलम और ये रो गया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया बेटा, मल्टीप्लाई करें 8 और +24 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको लगता है तो मेरे पास 8 जो है यहाँ पर x माइनस टू, मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साइन चेंज कर रही हूँ, 24y-5 और इधर मेरे पास आया 32 और z प्लस 3। मैंने ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं देखो 16, 32, 24 ये सब 8 के टेबल पे आते हैं, तो मैं 8 से कटिंग कर दूं, पहले 8 कॉमन ले लूं या कटिंग कर दूं, वन इज द सेम थिंग, तो ये 8 2 द 8 3 द 8 4 द, यही स्मार्टनेस पेपर में हमारी कैलकुलेशंस को कम कर देती है। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2x-4+3y-15+4z+12=0। अब बेटा 2x+3y+4z, अब ये कितना हो गया -19 और -19+12 ये हो गया -7 और उधर जाएगा तो सर। अब देखो मैंने किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, आई एम राइटिंग इट इन वेक्टर फॉर्म, मेरे पास जो है आई एम राइटिंग इट इन अ वेक्टर फॉर्म, तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, आर वेक्टर
डॉट। अब एन, एन वेक्टर होगा, एन कैप नहीं होगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्शन को साइंस नहीं है। तो मैं लिखूंगी 2i + 3j + 4k = 7। अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो अपने आप एन कैप बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म पूरी की पूरी बन जाएगी। यहां तक आपके माइंड में +2a + 2c कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, प्लीज आस्क मी, हरी अप, प्लीज आस्क मी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड कि मैम ये ऐसे क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों हुए, आस्क मी सो दैट कि हम लोग क्या करें कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हाँ जी, मानविया, क्षितिज, कृष, प्रीतिका, राघव, सुरभि, सुहानी, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, जल्दी जल्दी, कोई है प्रॉब्लम किसी की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चले फिर बेटा आगे करें, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा। ठीक है, अभी तक मैं फिर रिकॉल कर दूं, हमने 3 टाइप्स ऑफ प्लेन की इक्वेशन की, फर्स्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है जी, सेकंड मुझे एक पॉइंट दिया, मुझे नॉर्मल वेक्टर दिया, थर्ड मैंने किया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मुझे बताएं, तो मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख ली। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट प्लेन जिसे मैं कहती हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने प्लस वन में भी की हुई है, अब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा करने लगी हूँ, तो उसमें मेरे पास क्या किया हुआ है, लेट अस सी, हाँ जी, अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि एक प्लेन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे कहीं ना कहीं काट रही होगी, कहीं ना कहीं वो कटिंग कर रही होगी, उसको कट कर रही होगी। मान लीजिए कि वो एक्स एक्सिस पे a 0 0 पे काट रही है, वाई एक्सिस पे 0 b 0, मतलब उसका इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन से डिस्टेंस b है, और z एक्सिस पे मान लीजिए 0 0 c, कार्टीजन इक्वेशन। अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता हो इंटरसेप्ट फॉर्म की, हमने की हुई थी x/a + y/b = 1, कुछ मिलता जुलता ही ऐसे ही हमारे पास प्लेन का है। क्या करेंगे यहाँ पर कि x/a + y/b + z/c = 1, जब आप एलसीएम लोगे सब करोगे अपने आप वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मुझे वेक्टर फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में ही, 16th एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है, वाई एक्सिस पे 3 है, जेड एक्सिस पे 4 है, दिया ना नेक्स्ट एग्जांपल में, तो हम क्या करें यहाँ पर देखिए कि यानी x/2 y/3 z/4 = 1। नाउ टेक द एलसीएम, व्हेन यू टेक द एलसीएम 12 एलसीएम आया, तो मेरे पास यहाँ पर 6x 4y 3z, है ना, यहीं पे आए ना, 12 लिया, ध्यान से चेक कर लेना, 12 कटिंग की, ठीक है, 4 आया और 3 आया और इक्वल टू 12 आ गए, देखो बनी। तो अल्टीमेटली ax + by + cz + d या इक्वल टू d, ये आपकी मर्जी, आप कैसे ले रहे ना, मैं प्लस d इक्वल टू 0 मैं ऐसे ही कंसिडर करता हूँ, आप इधर ले आओगे तो -12 हो जाएगा। अब ये क्लियर कट वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, समझ आ गई बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है प्लेन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इस पर बेस्ड जो है अब तो 4 मार्क्स का आता ही आता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा, तभी लेंथी क्वेश्चन होता है। ओके, अब क्या कहना है इस टाइप ऑफ प्लेन का, ठीक है, हम इसे कहते हैं प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। वर्ड जब आता है ना इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये देखिए
व्हाट डज इट मींस? आप इमेजिन कीजिए, ये मेरे पास बुक है, इस पॉइंट पे ये कितने सारे प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार कहती हूं, मैं बुक को प्लेन की तरह एक्ट करती, इस पॉइंट पे कितने सारे बाइंडिंग जगह होती है ना। मैं और बुक आपको दिखाती हूँ, ये लीजिए, इस पे ये कितने सारे देखो ये प्लेन्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे कोई ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो मेरी साथ में और जो कंडीशन दी होगी उसको सेटिस्फाई करे। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब, जब जैसे ये ले, मैं इस साइड को एक प्लेन मान लेती हूँ, इस साइड को एक प्लेन, ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है, तो मैंने ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकाली। ओके जी, तो अब मेरे पास जो है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन में क्या होता है बेटा, मान लीजिए मुझे एक प्लेन दिया हुआ है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ठीक है, प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा प्लेन दे दिया मुझे कोई और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मुझे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स निकालना है, मैंने पहले प्लेन को ना पी वन नाम दे दिया, ऐसे ए वन एक्स प्लस जो है बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्लेन पी टू को नाम दे दिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा 100% मेरे पास जो है यहां पर क्या आएगा, दैट इज फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ना मुझे कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जो मैं निकालू। मान लीजिए मुझे कह दे प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, यानी मैं पहले ये प्लेन लिखूंगी, फिर वहां एक्स वाई जेड की वैल्यू वो पॉइंट पुट करूंगी, अपने आप लैम्डा आ जाएगा और मेरा वैल्यू सॉल्व हो जाए। और भी कुछ हो सकता है, प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, मैं एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, ठीक है, लेट अस सी। अगर दो प्लेन आपस में पैरलर हैं, याद रखना पैरलर, ऑब्वियस है, इस प्लेन का नॉर्मल इधर, इस प्लेन का नॉर्मल इधर, तो वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरलर होती है। इसका मतलब पैरलर की कंडीशन होगी तो ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू की कंडीशन लगती है, जैसे दो लाइंस में लगती थी। अच्छा, अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन है, एक प्लेन ये दूसरा प्लेन ये, अब इस प्लेन का नॉर्मल ऊपर या नीचे भी हो सकता है, होगा तो इधर, और इस प्लेन का नॉर्मल इधर, तो वो भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो यानी दोनों नॉर्मल में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दे, वो क्या होता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। समझ के जाओ बेटा, लीव मत करो प्लीज, ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट बात बताने लगे। ऐसे ही लाइंस में होता था ना कि दो लाइंस पैरलर है तो ये कंडीशन, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन। लेकिन अगर एक प्लेन और एक लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, प्लेन और एक लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, प्लेन का नॉर्मल कहाँ होगा, कहीं पे, यहीं पे, तो ये आपस में क्या आए, पैरलर आए। यानी अगर दो प्लेन है और पैरलर की बात कर रहे हैं तो पैरलर की कंडीशन लग रही है, लेकिन अगर एक प्लेन है एक लाइन है पैरलर की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगती है। यहां पर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना तो पैरलर की कंडीशन लगेगी। यानी अगर प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास ए बी सी है,
लाइन यहाँ वन 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 ले लेते हैं, और लाइन के जो है ए टू बी टू सी टू, तो यहाँ ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू लगेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास ये प्लेन है, ठीक है, इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो लाइन परपेंडिकुलर है, प्लेन भी यही कहीं होगा ना, कहीं पे भी हो सकता है, रहेगा तो वो पैरेलल ही ना इसके, तो कंडीशन गिवन हमें परपेंडिकुलर था, कंडीशन हमें कौन सी लग गई, पैरेलल की लग गई। ऐसे ही उल्टा होता है कि अगर एक प्लेन के पे एक लाइन पैरेलल है, अब नॉर्मल तो यही कहीं होगा, कहीं पे भी हो सकता है, पर रहेगा तो वो परपेंडिकुलर, तो कंडीशन कौन सी लगेगी फिर, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, गिवन पैरेलल था लेकिन क्योंकि ऑपोजिट था, ऑपोजिट का मतलब एक लाइन एक पैरेलल थी, कंडीशन किसकी लगा रहे हैं हम, ठीक है, प्लीज इस चीज को समझना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज हो, सिर्फ ये फंडा याद रखो कि आप ड्रॉ करके देखो कि पैरेलल हम प्लेन अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो प्लेन के कहां, मतलब नॉर्मल तो ऊपर ही है, वो लाइन के या प्लेन के कैसे एक्ट कर रहा है, पैरेलली एक्ट कर रहा है कि परपेंडिकुलरली है, उसके अकॉर्डिंगली वो कंडीशन है, नहीं तो सिंपल सा, मैंने तो सिंपल याद रखा हुआ, दो प्लेन्स हैं, जो कंडीशन दी है वही लगानी, पैरेलल की कंडीशन है तो पैरेलल की, दो लाइंस है तो पैरेलल बोला है तो पैरेलल की कंडीशन, परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन, लेकिन अगर एक लाइन एक पैरेलल प्लेन है तो अगर पैरेलल बोला है मैं कंडीशन परपेंडिकुलर की लगाऊंगी, मैंने आपको रीजन बता, ओके बेटा, ये बात सबको समझ आ गई जो मैं बताना चाहती थी, क्लियर टू एवरीवन, हां जी, ओनली टू थ्री स्टूडेंट्स आर सेइंग यस मैम, बाकी बच्चे, बाकियों को क्लियर नहीं हुआ, गुड, चलो ठीक है बेटा, अब इसी पर बेस्ड टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके, टिल देन